बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। रात के तकरीबन 12 बज गए हैं और मैं बस में बैठा हूँ, जा रहा हूँ जी पेरिस। जिस तरह के मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ ये बात शेयर की थी यार, पेरिस बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन मैं एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि मुझे शौक़ था कि दुनिया के 7-8 अजूबों में से जो वंडर हैं दुनिया के, उनमें शामिल होता है ये एफिल टावर, तो मुझे बड़ा शौक़ था देखने का, तो मैं जा नहीं सका। जिस बंदे से मैं जिक्र करता हूँ वह कहते हैं तो वो यार लोहा, लेकिन यार एक चीज़ होती है जिसकी दुनिया में अहमियत होती है तो उसको देखना चाहिए, तो शौक़ था, पूरा हो रहा है, तो इंशाल्लाह जा रहा हूँ कि आज बार्सिलोना से फ्रांस पेरिस, तो इंशाल्लाह रास्ते की हसब ममोल जिस तरह पाकिस्तान जाते आपके साथ जर्नी जो होती है शेयर करता हूँ, तो स्पेन टू पेरिस इंशाल्लाह आपके साथ जर्नी शेयर करूँगा, मेरे साथ रहिएगा। रात के 12 हो गए हैं, जाग के रहने तकरीबन रात के 12:15 हो गए हैं और मैं प्लासा कतलूनिया पहुँच आया हूँ। यहाँ से भी मैं बस लूँगा, दूसरी बस है N18 शायद, तो टर्मिनल 2 एयरपोर्ट पे वो जाएगी, तो रात के टाइम बसें कम चलती हैं लेकिन नाइट बसें होती हैं, तो वो ढूंढनी पड़ेगी कहाँ से मिलेगी। ये है जी प्लासा कतलूनिया, जी प्लासा कतलूनिया। यहाँ रात के 12 बजे भी रौनक देखे कितनी है, काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। एयरपोर्ट में पहुंच आया हूँ, तकरीबन 3 घंटे पहले मैं पहुंचा हूँ, क्योंकि रात का टाइम था तो मैं पहली दफ़ा बस पे एयरपोर्ट आया हूँ, तो मुझे यही शक था शायद बस मिले या ना मिले, शायद टैक्सी पे जाना पड़े, लेकिन बस मिल गई है, तो तकरीबन 3 घंटे मैं पहले आ गया। तो कोई बात नहीं है, जहाज़ ने मेरा वेट नहीं करना, मैंने जहाज़ के लिए वेट करना है, तो यहाँ पर सारे लोग सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो मैंने अभी यहाँ पर फ़ोन चार्जिंग लगाया है और क्रिकेट जो आज हुआ है तो उसकी हाईलाइट देख रहा हूँ। मैच पाकिस्तान हार गया, लेकिन कोई बात नहीं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी बड़ा अच्छा मैच हुआ है, वो देख रहा हूँ, थोड़ा टाइम तो पास करना है। 3 घंटे अभी यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद बोर्डिंग तो मैंने ऑनलाइन करवा ली है, लेकिन गेट तब खुलेगा तो फिर अंदर चले जाऊँगा, जाके एक 1.5 घंटा जो फ्लाइट है तो फिर नींद पूरी करूँगा। इस रात में ये जो रात है सारी रात नहीं सो सका, वहाँ पेरिस जा के इंशाल्लाह नींद पूरी करेंगे और घूमें फिरेंगे। ये जी सारे लोग बोर्डिंग करवा रहे हैं, ये देखिए रश बोर्डिंग का ही, तो मैंने बोर्डिंग पहले की हुई थी 1-2 दिन पहले, तो गेट ओपन हो गया अभी, S24 गेट ढूंढना पड़ेगा, लातदाद गेट है, शायद ऊपर है गेट, तो देखते हैं जी S24। ये देखिए सारे बोर्डिंग वाले खड़े हैं, तो ऑनलाइन बोर्डिंग मैंने की है तो मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ा, अभी जब गेट खुला है तो वो ढूँढेंगे किधर है। ये जी जिस एयरलाइन की मैंने टिकट कराई है, ये जहाज़ खड़ा है उनका, रियान एयरलाइन, इंतज़ार कर रहा है जी हमारा, अभी S22 ढूंढते हैं जी गेट, सॉरी S22 नहीं S24, इस जहाज़ तक पहुंचने के लिए S24 गेट ढूंढना पड़ेगा। ये जी गेट नंबर S24 मैंने ढूंढ लिया और भूख बड़ी साथ लगी हुई है। ये है जी मैकडोनल्ड, यहाँ से लेते हैं कोई खाने के लिए एक चीज़, एक्सपेंसिव मिलेगी यहाँ से एयरपोर्ट से, लेकिन फिर भी खाना तो है ना कुछ। ये जी गेट के सामने पहुँच जाए रियान एयरलाइन, काफ़ी जहाज़ खड़े हैं यहाँ पर उनके, एक वो है, 3 ये सामने है जी रियान एयरलाइन, इस पे जा रहा हूँ जी इंशाल्लाह, तकरीबन टाइम थोड़ा रह गया, अभी 1 घंटा रह गया तो भी जाना पड़ेगा।
वहाँ पर जी उतरे हैं तो काफ़ी सर्दी है, जैकेट पहननी पड़ेगी। छोटा सा जहाज़ है जी, देखें रियान एयरलाइन। बहरहाल जी सस्ती टिकटें होती है इनकी, जिंदाबाद जी रियान एयरलाइन। पहुँचे हैं जी पेरिस अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बस की टिकट करवाऊंगा जहाँ पर जाना है, तो इंशाल्लाह हर हरिये से वहाँ पर पहुँच के आराम करके फिर खुद भी घूमूंगा और आपको भी इंशाल्लाह अच्छी अच्छी जगह दिखाऊंगा। अच्छा जी, पेरिस एयरपोर्ट से मैं बाहर निकला हूँ, तो यहाँ से थोड़ा दूर है पेरिस मेन सेंटर, तो बस में बैठ गया हूँ। लेकिन जो भी दोस्त इलीगल हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अल्लाह पाक सबको दे। अगर कोई फ्रांस आना चाहे तो कोई चेकिंग नहीं है, जस्ट आपने ऑनलाइन टिकट बुक करनी है पासपोर्ट पे और उसके बाद आपने ऑनलाइन बोर्डिंग करनी है। तो एयरपोर्ट पे सिर्फ आपका एक सेकंड के लिए पासपोर्ट देखेंगे कि बोर्डिंग और पासपोर्ट पे जो नेम है वो मैच कर रहे हैं, तो उसके बाद कोई पूछ गिछ नहीं है। यहाँ फ्रांस हम उतरे हैं तो किसी बंदे से कोई उन्होंने पूछा नहीं, जैसे बस स्टॉप है वो उतरते हैं तो बाहर निकल, इस तरह उतर के बाहर निकल आए हैं। तो अभी जा रहा हूँ, तो दोस्त शायद सो रहा होगा लेकिन कॉल करके उसको उठा लूँगा। तकरीबन एक घंटे की दूरी पे है, बस एक घंटा चलेगी तो इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे पेरिस मेन सेंटर। तो मिलते हैं जी पेरिस शहर में जाके इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ तक मैं अकेले आ सकता था, यहाँ से आगे मुझे कोई पता नहीं है। ये बस स्टॉप है मेन पेरिस का, तो मेरा जो दोस्त है वो कहता है इस स्टॉप पर मैं नहीं आया, तो वो आ रहा है, उसको मैंने लोकेशन सेंड की है, अभी आता है आपसे भी उसकी मुलाकात करवाता हूँ। छोटा सा है लेकिन 2-3 साल हो गया उसको, पहले स्पेन रहता था मेरे साथ, अभी फ्रांस रहता है, तो उसके साथ भी थोड़ी बहुत गपशप करते हैं मुल्तान शहर के। तो अभी जी आने ही वाला होगा, उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, धूप सेक रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ी जो है ना सर्दी है, स्पेन में मौसम ठीक था, मसलन गर्मी ख़त्म हो रही थी, सर्दी आ रही थी, लेकिन यहाँ पर सर्दी स्टार्ट हो गई है, हर बंदे ने जैकेटें पहनी हुई हैं, अच्छा मौसम है वैसे। ये जी नबील मुल्तानी, अस्सलाम वालेकुम। ना ओके यार, ठीक हो? उंजे तो उंजे ये 2 साल पहले जे खड्या निक्के दा निक्का, ये को खाया पिया कर वड्डा हो, हुन चलिए किधर जाने हैं जाने हैं। चलो ठीक है। अच्छा जी, अभी नबील साहब के साथ मुलाकात हो गई है, घर जा रहे हैं, भूख बॉडी बड़ी तेज लगी है, खाना खा के उसके बाद नबील साहब किधर जाने, शांजेलीज़ या आईफल टावर? पहले थोनो अल्फा टावर लेके जावांगे, आईफल टावर उसके बाद शांजेलीज़। ठीक है ना, शांजेलीज़ रोड के बड़े रौले सुने ने, कज़ाफ़ी के मुंडे ने उत्थे गड्डी चलाई बड़ी स्पीड ही, तो किसी बंदे ने जुर्माना नहीं किया, नहीं तो मेरा ख्याल उसे 40 उत्ते जाने से उन्होंने 120 चलाई। चलो शांजेलीज़ आईफल टावर पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ठीक है, अभी जा रहे हैं जी घर। अच्छा जी, नबील साहब ने खाना बनाया, अभी खाना खाया तो जा रहे हैं जी बाहर घूमने के लिए एफल टावर। अच्छा नबील साहब, एक मैं पिछले वीडियो बनाई है, बंदे दोस्त अक्सर मेरे को पुछते हैं कि स्पेन में केड़ा काम मसलन यूरोप सानू सीख के आना चाहिए, तो तुम्हें इतने मेरे गल शेयर पे करने हैं बाजरी जे इतने रेंगे ने इस मंजी से टाइल पत्थर का काम इन्होंने मैं क्या सीख के आओ वो कितने पैसे बंदा इतना कमा लेंगे कारीगर आवे। टाइल पत्थर वाली दिहाड़ सब नाल चौखी है, इतने 150 रुपया दिहाड़ है, तो पलंबर की ज़्यादा दिहाड़ है, तो बिजली के काम की ज़्यादा दिहाड़ है। टायल पत्थर तो पलंबर का अगर काम सीख के बंदा इतने आ जाता है साल का 1 करोड़ रुपया कमा सकता है? कमा सकता है, हाँ सुकून ना सुकून ना कमा सकता है। यह जो बंदा कमाता नहीं, 1.5 करोड़ तो करना टारगेट है, कमा लेंगे इन्ने भाई जी। जिस तरह के मैंने आपको कहा है कि टाइल पत्थर का काम यहाँ पर यूरोप में बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर ये बता रहा है कि हमारे ये कह रहा है कि कमरे में जो 7 बंदा रहता है वो साल का उसका टारगेट है 1.5 करोड़ रुपया वो कमा के जाता है पाकिस्तानी, वो टाइल और पत्थर का काम जानता है। तो यहाँ पर अगर ये भी यही कह रहा है, मैंने भी आपको कहा कि यहाँ पर बंदा काम कोई नहीं सिखा के रहा थी, कोई है ना बंदे के टूट जाते तेन काम सिखाण, ना 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 ये झूठ है, पाकिस्तान में सीख के आना चाहिए बंदे इतने कहते सिखा छड़े तो भी कमान ला पाएगा। आहो यही गल है, हाँ जी असद है ना, तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि पाकिस्तान से टाइल और पत्थर का काम सीख के आए। यहाँ पर एक बंदे ने भाईजान ने कमेंट किया था कि आप कह रहे हैं इतना काम है तो आप क्यों नहीं सीखते, यहाँ पर कोई भाई जी काम सिखा के नहीं राजी के जो पैसा हम कमाते हैं ये ना कमा ले। तो अभी जी जाते हैं जी, खाना खाया है, चाय पीनी है, पी रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं जी घूमने फिरने के लिए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, उस वक्त तक मुझे दें इजाज़त, अपना बोझ ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।